आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। बड़ी खबर, आज मथुरा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नामांकन भरेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जनता से हेमा मालिनी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता योगी की जनसभा की तैयारियों को पूरा करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी डिस्ट्रिक्ट की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। तो आज हेमा मालिनी नामांकन भरेंगी अपना और उससे पहले एक जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। आज आपको बता दें योगी आदित्यनाथ, और चूंकि दौरा है योगी आदित्यनाथ को, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। और अपने नामांकन से पहले हेमा मालिनी ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार मथुरा से कैंडिडेट बनाया है, इस पर उनका क्या कहना है, आइए जरा हेमा मालिनी की बात सुनते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी मथुरा में है और मथुरा जो सबसे ज्यादा यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि हमारे साथ इस बार एक बार फिर से यहाँ की मौजूदा सांसद जो बीजेपी की उम्मीदवार है और बॉलीवुड ही नहीं देश की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी हमारे साथ हैं। हेमा मालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। हमने आपका पहले भी बातचीत जब आपसे की तो आपने ये कहा कि मथुरा से आपका अलग लगाव इसलिए था क्योंकि आप धार्मिक भी हैं और कृष्ण की धरती है और कृष्ण में आपकी आस्था है। तो ये जो तीसरी बार आपको जब टिकट मिला तो आपको उम्मीद थी कि इस बार मिलेगा? मुझे इसलिए बनना था कि मेरा काफी प्रोजेक्ट जो बना हुआ है, वो करोड़ों का जो प्रोजेक्ट मैंने बनवाया है मेरी तरफ से, मैंने बोल के सब मिनिस्ट्री से, वो सारा काम होना चाहिए। अगर मैं नहीं हूँ तो शायद नहीं होगा, सारा बंद हो जाता था। लाइक 84 कोस परिक्रमा के 11,000 करोड़ का काम है, वो मैं लेकर आई हूँ मथुरा के लिए। एंड रेलवे प्रोजेक्ट इतने हैं, वो रुक जाएगा। सो मेनी रोड्स, सच ए ह्यूज रोड्स विच आर सम 4,000 करोड़ों का है। तीसरी बार आप चुनावी मैदान में, जीत की हैट्रिक के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं? तैयार है। कैसे कैंपेनिंग में बाहर जाती है, अब वो हेजिटेशन तो नहीं होती लोगों के बीच जाने में? कोई हेजिटेशन नहीं। आई एम सो यूज्ड टू एवरीबॉडी, पीपल आर सो स्वीट। हमारे ब्रजवासी बड़े अच्छे हैं, बहुत स्वीट एंड लवली पीपल, लवली, नाइस टू स्पेंड टाइम विद देम। आई गो टू देयर हाउसेस आल्सो, सबके घर जाके आई। अभी भी वेंट टू वन ऑफ द लोकदल पर्सन हु हैज जॉइंड बीजेपी, उनके घर गई थी। अच्छा, बसपा ने भी अभी क्योंकि जाट बहुल इलाका है, 35% यहाँ पर जाट है, तो उन्होंने भी अभी टिकट चेंज किया है और किसी जाट उम्मीदवार को चुनावी मैदान में। कोई डर है मैम कि विपक्ष में कोई है? मुझे डर होना चाहिए था डेफिनेटली। लास्ट टाइम आई वॉज लिटिल वरीड, इट वॉज अ गठबंधन सरकार था। अभी इस बार तो देर इज़ नो बडी, बट स्टिल हमें अपने जो काम किया उस पर विश्वास है और मोदी जी पर विश्वास है कि उन्होंने इतना बढ़िया देश के लिए दिया है, तो हमें किस बात का डर है। तो लोग भी समझते हैं, लोगों को सारे लाभ मिल रहा है जो मोदी जी ने जितने उपलब्धियाँ दी हैं फॉर देयर बेनिफिट, वो सब उनको मालूम है। क्योंकि 23 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होनी है, हेमा मालिनी के नाम पर लोग वोट देने जाएंगे, बीजेपी के नाम पर जाएंगे या मोदी जी या योगी जी के नाम पर? ऑल एवरीबॉडी टुगेदर, इट्स अ कंबाइंड, इट्स डेफिनेटली अ कॉम्बिनेशन एंड गुड वर्क वी हैव डन, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। ग्राउंड पर किसका ज्यादा असर नजर आता है, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार होगी, आप तो उस वक्त भी सांसद जी जब समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ पर थी, तो योगी जी का ज्यादा असर नजर आता है या मोदी जी का? दोनों उन्होंने पूरा देश के लिए किया मोदी जी ने, योगी जी। मैं जितना भी डेवलपमेंट आप मेरी तरफ से जो 10 साल में देख रहे हैं, 10 साल नहीं, आई मीन 8 साल में बोलूंगी, तो दैट इज ड्यू टू योगी जी सपोर्ट। अच्छा, इस बार 370 का नारा बीजेपी के लिए दिया और एनडी के लिए 400 का, आपको लगता है जो नारा मोदी जी ने दिया है, जो गारंटी मोदी जी की है, उस गारंटी पर जनता भरोसा करेगी? जनता भरोसा कर रही है, करेगी, डेफिनेटली करेगी, दे आर गेटिंग द बेनिफिट ना, तो आई शुड नॉट देयर। अच्छा, क्योंकि साउथ को लेकर बार बार ये कहा जाता है शायद थोड़ा कमजोर है साउथ में, हालांकि हमने देखा मोदी जी काफी जा रहे हैं, आप तमिलनाडु से हैं, वहाँ पर भी आपके फैंस काफी होंगे, तो उसका असर आंध्रा तमिल सीटों पर नजर आ सकता है? बीजेपी का नारा नहीं था, लेकिन और क्योंकि वो पूरा DMK इन लोगों का एकदम बना हुआ था, अभी जब देश में योगी जी मोदी जी
इतना बेनिफिट दे रहे हैं, उपलब्धियां दे रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट साउथ? साउथ इंडियन ने किस क्या गुनाह किया? सो नाउ द साउथ पीपल अंडरस्टैंड कि उनके साथ क्या ना इंसाफी हो रही है, उन्होंने उनको कुछ नहीं मिल रहा है। डीएमके ने क्या किया? दे हैव आई डोंट वांट टू से टू मच अबाउट देम, बट इट इज वेरी सैड कंडीशन। It is not the way. वहाँ का माइंडसेट चेंज हो रहा है। Completely mindset change because our South Indian people also want all the development what is happening in the whole country. So I was absolutely new when I came. I did not know anything, but I learned it. See, everybody learns. The whole life is to learn things. अच्छा, आप हम भी कह सकते हैं कि हेमा मालिनी अब नेत्री कम और पॉलिटिशियन ज्यादा होगी, राजनीति पसंद आ रही है आपको? No, ऐसा कुछ नहीं। I am keen on you keep on calling me a It's okay. See, if I'm in Rajniti only, I can do all this work. अच्छा मैम, 2014 में, क्योंकि जाट बहुल इलाका है ये, 35% यहाँ पर जाट हैं, आपको जाट बहु होने का थोड़ा फायदा मिला? थोड़ा नहीं, बहुत फायदा मिलता है। I am Dharamji's wife, so I get all the benefit being, and also they all love me so much because as an artist also the Jats are very nice simple people. They are also Brajvasis. ब्रज के है ना सर। अच्छा मैम, हमने रामलला तो देख लिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अब लोग कह रहे हैं कि मथुरा की झांकी कब देखेंगे? जल्दी देखेंगे, जैसे कोर्ट में है ये बात, जब खत्म हो जाएगी सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। मैम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अब जीत की हैट्रिक लगानी है और 400 का नारा दिया है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कितनी आपको लगती है कि 80 की 80 आएंगी? ये कॉन्फिडेंस आप 80 का 80 आना जरूरी है, आएंगे। एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट? यस, वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये हमारे साथ हेमा मालिनी जी थी, जिन्होंने अपनी जीत की हैट्रिक के लिए कह दिया है कि इस बार जो मोदी जी की गारंटी है वही जनता की गारंटी होगी। कैमरा पर्सन करम के साथ मौर्या ठाकुर, न्यूज 18 इंडिया, मथुरा। तो हेमा मालिनी के लिए आज बड़ा दिन है, आज नामांकन भरेंगी, तीसरी बार उम्मीदवारी है इस बार मथुरा से, कृष्ण की नगरी से हेमा मालिनी की। मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधे मथुरा से, रीमा प्रसाद हैं, वो उस जगह पर हैं जहां योगी आदित्यनाथ आज एक जनसभा करने वाले हैं, सपोर्ट में आ रहे हैं हेमा मालिनी के लिए। और दूसरी तरफ रवि सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हेमा मालिनी का जो आवास है मथुरा में, वहां से जुड़े। रवि, पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, बहुआयामी व्यक्तित्व है हेमा मालिनी का, जबरदस्त स्टार अभिनेत्री रही हैं और बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, बहुत बड़ी डांसर है, और अब देखा जाए तो एक अच्छा खासा राजनीति का भी उन्हें अनुभव है। एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास जताया उनके ऊपर, कल यमुना पूजन उन्होंने किया था, अब कुछ देर में निकलेंगी नामांकन भरने के लिए, किस तरह की तैयारियां हैं आज? देखिए, फिलहाल मैं हेमा मालिनी के घर के बाहर ही खड़ा हूं और सबसे पहले तस्वीरें भी यहां पर दिखाएं कि अभी किसी तरीके का हलचल तो नहीं दिख रही है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचने वाले हैं और एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, एक रैली है, जिसमें आपको पता है कि वेस्टर्न यूपी के कई ऐसे सीटों पर फर्स्ट फेज में या सेकंड फेज में चुनाव होने हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और इसके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने मोर्चा संभाला है, कमाल संभाली है और अलग अलग कैंडिडेट के और अलग अलग इलाके में जाकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो 11:30 बजे मुख्यमंत्री को आना है, लगभग 1-1.5 घंटा यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद नॉमिनेशन हेमा मालिनी का होगा। अब से थोड़ी देर बाद हेमा मालिनी यहाँ से निकलेंगी, अभी कुछ लोग यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं, घर के अंदर गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से हमारी सहयोग ने भी इनका इंटरव्यू लिया था, क्योंकि 2004 से ही इनका राजनीति में आगाज हो गया था, लेकिन दो बार से लगातार यहां पर चुनाव में जीतना और जयंत चौधरी को पहली बार चुनाव में 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराना, उसके बाद इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंट बीजेपी और खुद हेमा मालिनी इसलिए ज्यादा नजर आ रही है। उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि जाट बहुल इलाका है, मुस्लिम आबादी भी ज्यादा है, तो ऐसे में यह माना जाता है कि जाटों की पार्टी आरएलडी है और आरएलडी का सपोर्ट इस बार बीजेपी को है, तो आराम से यह सीट निकल सकती है, इसलिए तीसरी बार हेमा मालिनी को यहां से टिकट दिया गया है। पंकज, बिल्कुल। रीमा प्रसाद मेरे साथ जुड़े हैं। रीमा, आप जिस जगह पर हैं वहां जनसभा करेंगे, संबोधित उसको योगी आदित्यनाथ, सपोर्ट में आ रहे हैं हेमा मालिनी के, लेकिन आप चूंकि घूम रही हैं मथुरा में, जो लोग हैं, एक तो वो हीरोइन है, बहुत बड़ी हीरोइन है, लेकिन उसके अलावा आप दो बार की सांसद है, कैसे लोग उनके बारे में बात करते हैं? हेमा जी की पर्सनालिटी को जब हम देखते हैं तो वो जहां रही रम गई,
दक्षिण की अभिनेत्री जब बॉलीवुड आती हैं तो इस तरीके से उनका सिक्का जमता है कि ड्रीम गर्ल बन जाती है, लेकिन जब वो राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतरती हैं तो फिर हेमा मालिनी यहाँ से किसी दूसरे को जीतने नहीं देती हैं। ये 2014 से लेकर अभी तक का सिलसिला, और यकीन मानिए जो लोगों की भावनाएं हैं, और ये तो खुद मथुरा है, कान्हा की जगह है, तो यहाँ पे लोगों की भावनाएं उसी तरीके से कि हेमा मालिनी ही है। और उनके व्यक्तित्व की सबसे अच्छी बात और सबसे सराहनीय बात ये रही कि जब भी राजनेताओं ने बदजुबानी की, जो हालिया दिनों में रणदीप सुरजेवाला ने की है, कभी उन्होंने अपनी शालीनता नहीं खोई, कभी उन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया। और मुझे लगता है कि आज भी जब बार बार भी अगर मीडियाकर्मी पूछे इस सवाल को लेकर, तो वो उस तरीके से आपा नहीं खोएंगी, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं मथुरा के लोगों, ब्रज के लोगों के लिए काम करने आई हूँ, और मैं बॉलीवुड से अगर यहाँ आई हूँ तो मैंने अपने आप को उस तरीके से यहाँ के माहौल में रख दिया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में और सीएम योगी में मथुरा का विकास हो। हालांकि एक मामला तैयारियां मैं दिखाऊं सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए तो अभी वक्त है, फिर भी मैं चाहूंगी कि ये पुलिस कर्मियों के ही चहलकदमी ज्यादा है, लोगों के आने का सिलसिला भी बस शुरू हुआ है, मतलब मथुरावासी अपने काम काज में लगे हुए हैं और उसके बाद वो यहाँ इसी सभा स्थल पे पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ। ठीक है रीमा, आप नजर बनाए रखिए, और रवि आप भी जैसे ही नामांकन के लिए निकलेंगे, हेमा मालिनी अपने घर से बाहर निकलेंगी, तो वो तस्वीरें आप हम तक पहुंचाएगा, दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं मॉर्निंग प्राइम में। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का एक विवादास्पद बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रणदीप सिंह सुरजेवाला हेमा मालिनी के लिए बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। वहीं बयान पर विवाद बढ़ते देख सुरजेवाला ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान का सिलेक्टिव हिस्सा ही सुनाया जा रहा है, जबकि पूरा बयान कुछ और था। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते हूं। कोई हेमा मालिनी तो के लिए बनाते हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते हूं। कोई हेमा मालिनी तो के लिए बनाते हैं। और रणदीप सुरजेवाला के विवादास्पद बयान पर बीजेपी नेता और अभिनेत्री कंगना रनौत ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता अवश्यम भावी हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन ब दिन पतन कर रहे हैं। ये कंगना रनौत ने ट्वीट किया है, एक्सपोज किया है। उधर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पहचान ही रही है कि नारी शक्ति का बार बार अपमान करती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है और कांग्रेस अपने ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। यह कहा है शहजाद पूनावाला ने। नारी शक्ति का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की पहचान, और अब एक नहीं, दो नहीं, कई कांग्रेस के नेता हैं जो बार बार महिला शक्ति, नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। लेटेस्ट रणदीप सुरजेवाला है, जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के करीबी है, जो अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है हेमा मालिनी जी को लेकर, वो दोहराई भी नहीं जा सकती। ऐसी टिप्पणी ये दिखाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी सोच है। अभी कर्नाटका कांग्रेस के एक नेता ने जिस प्रकार की टिप्पणी महिलाओं को लेकर की, साइना नेहवाल जी ने उस पर ट्वीट भी किया कि महिलाओं का किरदार केवल रसोई तक सीमित है। उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने जो कंगना रनौत और पूरे मंडी और हिमाचल का अपमान करने वाला पोस्ट किया, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, राहुल जी ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि अभी तक उनके हैंडल से उस पोस्ट को करने वाला पकड़ा ही नहीं गया, मिला ही नहीं। और केवल यही नहीं, शांति धारीवाल मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप होता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया। अशोक गहलोत के राज में राजस्थान नंबर वन हो गया बलात्कार में, उनको भी और पद मिले बड़े बड़े। जिस प्रकार से लाल सिंह नाम के व्यक्ति को टिकट दे दिया, जो एक बलात्कारी के पक्ष में खड़ा था, 8 साल की बच्ची के बलात्कारी के पक्ष में। तो कांग्रेस की बहुत ही पुरानी आदत है कि महिला विरोधी सोच रखना और इस प्रकार से नारी शक्ति का अपमान करना। यूसीसी हो, शाहबानू हो, शायरा बानू हो, तीन तलाक केस हो, हर जगह उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया है और वोट बैंक के लिए महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है। और मॉर्निंग प्राइम में अब जरा बड़े रेजिग्नेशन की बात करते हैं। कांग्रेस से संजय निरुपम ने इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर,
कल कांग्रेस पार्टी ने निरुपम को पार्टी से निष्कासित किया था, 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया था, और अब से कुछ ही देर पहले संजय निरुपम ने अपने रेजिग्नेशन, अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सूत्रों का कहना है कि संजय निरुपम शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। संजय निरुपम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बाकायदा एक ट्वीट भी किया।